डेस्क कर रहे हैं जानवी घटना पर। दिल्ली सरकार के मंत्रियों से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री अधिकारी को कह दिया था कि डिसिप्लिन करें, नहीं सुना गया। हमने आज जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई अगर अधिकारी ने कहा था, वीडियो जारी कर रहे हैं, डिसिप्लिन क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने माइक पे हाथ मारा, कह रहे पंगा क्यों ले रहा है, जाके मंत्री से पूछ ले। तो किससे पूछे जाकर सवाल? देखिए, इन अधिकारियों का दिमाग क्यों खराब है? क्योंकि इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली का एलजी, ये दोनों लोग इस बात के लिए पूरा इनको प्रेशर दे रहे हैं कि जैसे मन चाहे वैसे दिल्ली को बर्बाद करो। लेकिन हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे दिल्ली को, एक्सपोज करेंगे, लड़ेंगे आपसे और अपना अधिकार छीन के लेंगे। और हम जानते हैं कैसे होता है। नहीं बना रहे थे ना मोहल्ला क्लिनिक? केजरीवाल जी 9 दिन बैठे एल जी के यहां और काम करा के लाए। ऐसे ही एक नहीं, फरिश्ते स्कीम हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, बिजली का बिल बढ़ाने की बार बार कोशिश करते हैं भाजपा हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। केजरीवाल जी लड़ लड़के, आम आदमी पार्टी वाले लड़ लड़के रुकवाते हैं उसको। पानी का अनाप शनाप बिल बार बार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम लोग लड़के रुकवा। फिर मैं कह रहा हूं, एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, जहां आपने हमें चुना है, जहां बिठाया है, हम आपका काम कराएंगे, चाहे लड़के कराए, चाहे सड़क पे उतर के कराए, चाहे सदन में आवाज उठा के कराए, चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटा के कराए, काम तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही कराएगी। और एमसीडी के बारे में जैसा अभी दुर्गेश जी ने बताया, मेयर और स्थानीय विधायक और सारे हमारे विधायक सब लोग अब सक्रिय हैं। जितने भी ये बेसमेंट में इलीगल एक्टिविटीज चल रही है पूरे देश, पूरे दिल्ली के अंदर, उसको रोक लगाने का काम करेंगे और सील करने का काम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सवालों से ऊपर नहीं है, उसको जनता के पैसे से तनख्वाह मिलती है, उसको जवाब देना होगा। अभी भी वो एक्सटेंशन, 2 बार तो एक्सटेंशन ले चुका है, एक्सटेंशन पे उसकी नौकरी चल रही है। सवाल पूछने पे धमकाएगा भी और माइक भी तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको मालूम है भाई, इस पे कोई ऊपर से उसको प्रेशर है, कोई बोलने वाला नहीं उसको। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है और उनको जवाब देना चाहिए कि जब उनको पहले ही बताया गया था शिकायतों के बारे में, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई।